रोहित ने अगर मान ली गांगुली की ये बात तो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हो जाएगी पक्की। सौरव गांगुली ने अमेरिका जाने से पहले कप्तान को थमाई सफलता की कुंजी। अब इस प्लान के साथ T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी घर लेकर लौटेंगे रोहित शर्मा। टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए वेस्टइंडीज के लिए मई के अंत में उड़ान भर सकती है, जिसकी शुरुआत 1 जून से होने जा रही है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 5 जून से आयरलैंड के खिलाफ करेगी। पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में मिली हार के बाद हिटमैन की पूरी कोशिश रहेगी कि भारत को इस T20 फॉर्मेट में दूसरी बार चैंपियन बनाया जाए। उससे पहले टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी सौरव गांगुली ने भारत को खास सलाह दी है, जिससे रोहित शर्मा एंड कंपनी को T20 वर्ल्ड कप में काफी मदद मिल सकती है। भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय टीम काफी मजबूत नजर आ रही है। भारत के पास दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ी और T20 स्पेशलिस्ट सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह भी हैं। लेकिन भारत को विदेशी कंडीशंस में खास प्लानिंग के साथ उतरना होगा, नहीं तो चैंपियन बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। वहीं पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने मीडिया इवेंट में टीम इंडिया को खास सलाह देते हुए कहा, 6 matches to go, so we are in a position where we need to win majority of them and we'll try that. In the last 3 games we won 2 lost 1, so it's been a bit of a stop start, but in sport, any team has the capability of winning all 6, 5 out of 6. So we'll keep trying and keep playing well. Last season Rishabh Pant wasn't there, unfortunately. This season he's been there. What sort of an impact he has brought into the team? He's a very good player, and along with his captaincy he brings the batting, which was so important for us. If you look at the 10 teams of the IPL, that Indian player is very important. Whether it's Rishabh for us, whether it's MSD for Chennai, or Rohit Hardik for Bombay, Shubman for Gujarat, that international Indian player actually binds the team together. And I think he's batted very well, he's kept very well for us, and it has made us stronger. Since you said that he's been batting really well and keeping also really well, keeping that in mind, you see him playing for India in this World Cup. I see him playing for India, of course. He's such a special player, and I hope the selectors consider him for the World Cup, which I'm sure they will. And I wish him all the best once he goes to the West Indies in America. IPL में जूनियर प्लेयर से लेकर उम्रदराज खिलाड़ियों का भी बोलबाला देखने को मिला है। इस लिस्ट में 38 साल के दिनेश कार्तिक और 42 साल के धोनी का भी नाम शामिल है। इन दोनों खिलाड़ियों ने घातक अंदाज में बल्लेबाजी की है। धोनी और दिनेश कार्तिक अभी भी ताबड़तोड़ अंदाज में छक्के लगा रहे हैं। सौरव गांगुली भी बखूबी जानते हैं कि भारत के लिए ICC इवेंट इतना खास क्यों रहने वाला है, क्योंकि भारत ने आखिरी बार साल 2007 में धोनी की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीता था। तब से करीब 17 साल पूरे होने जा रहे हैं, इस फॉर्मेट में भारत ने कोई खिताब नहीं जीता। क्या रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में सूखा खत्म कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। IPL के ठीक बाद इस साल होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है। जून में अमेरिका और वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड की मेजबानी में टूर्नामेंट खेला जाएगा। इस महीने के अंत में T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम चुनी जाएगी, लेकिन किन किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। तो आप भी सौरव गांगुली के इस बयान पर अपनी राय दीजिए, साथ ही इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।